আর পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বই সূত্র আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের এক গরিব দুঃখিনী অস্ত মানুষের বিরুদ্ধে, তার বুকের উপরে হচ্ছে গুলি। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। होप सो कि आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मजे से होंगे। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, वीडियो का टाइटल है वाज शेख मुजीब रैली या ट्विटर, शेख मुजीबुर रहमान हिस्टोरिकल स्पीच। स्टार्ट द वीडियो, 3, 2, 1 स्टार्ट। पाकिस्तान के पहले आम इंतखाबात 7 दिसंबर 1970 को हुए। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब्दुल वली खान की नेशनल अवामी पार्टी, अब्दुल कयूम खान की मुस्लिम लीग कयूम, जमीयत उलमाए इस्लाम, जमीयत उलमाए पाकिस्तान और कौंसिल मुस्लिम लीग बड़ी जमातें थीं। ये इंतखाबात कौमी असम्बली की 300 नशस्तों पर लड़े गए और हकूमत बनाने के लिए 151 नशस्तों की ज़रूरत थी। अवामी लीग ने 300 में से 160 नशस्तें जीतकर वाज़ह अक्सरियत हासिल कर ली। नैप और दीगर जमातों के साथ मिलकर अवामी लीग बआसानी 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकती थी, लेकिन फिर कई माह तक कौमी असम्बली का सेशन ना बुलाया गया। फरवरी 1971 में असम्बली का सेशन बुलाया गया, मगर अचानक इसकी तारीख तब्दील कर दी गई। 1 मार्च को सेशन एक मरतबा फिर बुलाया गया, लेकिन फिर एक दिन भुट्टो साहब की जनरल याहिया खान से कई घंटे की मुलाकात हुई और अचानक ये सेशन भी मनसूख कर दिया गया और कौमी असम्बली का पहला सेशन 25 मार्च तक के लिए मुलतवी हो गया। इस मौके पर पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी के मुंतखब नुमाइंदे शेख मुजीबुर रहमान ने 7 मार्च 1971 को ढाका में एक यादगार तकरीर की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की 23 साल तारीख में बंगालियों पर होने वाले मजालिम की दास्तान बयान की। 1952 साले रक्त दिएछि, 1954 साले निर्वाचने जयलाभ करेओ आमरा गदिते बसते पारि नाई, 1958 साले आयुब खान मार्शाल्लाह जारी करे 10 बच्चर पर्यन्त आमादेर गोलाम करे रेखेछे, 1967 साले সাইদফার আন্দোলনে 7ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, 1969 আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। শেখ মুজিব নে ইসে তসলিম তো কিয়া, লেকিন ইয়ে তাকত আওয়াম কো মুন্তাকিল না হুই। उल्टा बंगाल में जगह जगह अवामी लीग के मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई गईं। इस तकरीर में शेख मुजीबुर रहमान ने साफ कहा कि अपने भाइयों का खून बहाना बंद करो। जमार पैसा दिए अस्त्र किनेछि बई सूत्र आक्रमण थेके देश के रक्षा करार जन्य, आज सेई अस्त्र व्यवहार होच्छे आमार देशेर एक गरीब दुःखिनी अस्त मानुषेर बिरुद्धे, तार बुकेर उपरे होच्छे गुलि। आमरा पाकिस्तानेर संख्यागुरु, আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি, যখনই এদেশের মালিক হওয়ার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, তারা আমাদের ভাই। আমি বলেছি তাদের কাছে এই কথা যে আপনারা কেন আপনার ভাইয়ের মুখে গুলি মারবেন, আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিঃশত্রু আক্রমণ করে তার থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। इसके बाद शेख मुजीब ने अपनी मांगे खुलकर बयान की और इनमें से अहम तरीन मुतालबा ये था कि मार्शल लॉ को ख़त्म किया जाए, फौज बैरकों में वापस जाए और इक्तदार अवाम को मुंतकिल किया जाए। আমি পরিষ্কার মিটিংয়ে বলেছি যে এবারে সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ভাইরা আমার 25 তারিখ অ্যাসেম্বলি কল করেছে, রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি 10 তারিখে বলে দিয়েছি যে ওই শহীদের রক্তের উপর দিয়ে পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথম সামরিক আইন মাশাল্লহ উদ্ধ করতে হবে, সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে,
যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপরে বিবেচনা করে দেখব আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসার আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না। यहाँ ये बयान करना जरूरी है कि शेख मुजीब कोई अनोखी बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान में अब तक 4 फौजी हुकूमतें गुजरी हैं और इन चारों अदवार में सियासी क्यादतें फौज के बैरकों में वापस जाने का मुतालबा मुतअद्दिद मरतबा दोहराती रही हैं। ख्वाह वो 1968 की जनरल अयूब मुखालिफ तहरीक हो, जनरल याहिया की इकतदार से अलहदगी की तहरीक हो, जनरल ज़िया के खिलाफ MRD की तहरीक हो या जनरल मुशर्रफ के खिलाफ वकला तहरीक हो। साथ साथ ये बताना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान के तमाम जमहूरी रहनुमा बशमूल शेख मुजीबुर रहमान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और इमरान खान भी ये मुतालबा मुख्तलिफ अदवार में दोहराते रहे हैं। ताहम जनरल याहिया खान की हकूमत और जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस बात पर बज़िद रहे कि इकतदार किसी सूरत मशरक़ पाकिस्तान को मुंतकिल नहीं किया जाएगा। बिल आखिर 26 मार्च 1971 को बंगाल में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दिया गया। यह ऑपरेशन 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की 54% आबादी वाले हिस्से के बांग्लादेश बन जाने पर ख़त्म हुआ। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। शेख मुजीबुर रहमान की स्पीच सुनी और ये बहुत ही हिस्टोरिकल स्पीच है। इसमें उन्होंने जो जो बातें की वो सब टू द पॉइंट थी। जैसे उन्होंने बताया कि जनरल याहिया खान ने वादा किया था कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत दी जाएगी, लेकिन ये वादा पूरा नहीं किया गया। और ये जो वेपन है, जो असला है जो हम लेते हैं, वो हम हमारे पैसों से लेके अपने ही मुसलमान भाइयों पे जो है चलाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि जो असला है ये सिर्फ बाहर के दुश्मनों से लड़ाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अपने ही मुसलमान भाइयों को जो है वो गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। बाकी उन्होंने बीच में 2-3 पॉइंट्स रखे जिसमें फौजी अपनी बैरकों में वापस चले जाएँ और जो मुसलमान भाइयों के खून बहा है उसका अजाला किया जाए। बहुत ही वैलिड पॉइंट्स थे, लेकिन उनकी इन बातों को नहीं माना गया, जिसकी वजह से शेख मुजीबुर रहमान को अपना जो मुल्क है वो अलहदा बनाना पड़ा। जो शेख मुजीबुर रहमान ने हिस्टोरिकल स्पीच की और इस स्पीच में उन्होंने सिंपल डिमांड्स की कि अवाम की जिनको उन्होंने चूज़ किया उन नुमाइंदों को ताकत दी जाए और मार्शल लॉ को ख़त्म किया जाए, लोगों का जो खून बहाया गया उसका अजाला किया जाए। और इसके बाद उन्होंने कहा कि हम असम्बली के सेशन में जाएंगे। असम्बली का सेशन 2 दफ़ा बुलाया गया, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत से लोगों को बोला कि जो इस सेशन में जाएगा मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो सबसे बड़ी रुकावट बने शेख मुजीबुर रहमान को इक्तदार मुंतकिल ना होने में। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान का 54% आबादी वाला जो इलाका था वो पाकिस्तान से अलग हो गया, और आज भी ये जख्म ताज़ा है। दोनों साइड के लोग हैं वो जब भी इस वाक़े को याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लाखों की तादाद में लोग शहीद हुए, हज़ारों की तादाद में फौजी शहीद हुए। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का बहुत ही एक डार्क डे था जिस दिन पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। जरूर बताएगा इस वीडियो के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।